क्या रहेगा देश का नाम, इंडिया या भारत? क्या मिट जाएगा इंडिया का नामो निशान? आखिर क्यों शुरू हुई इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट? क्या है इंडिया और भारत का मुद्दा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाई सिद वेब्स, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज, कैप्चरिंग फ्रॉम रील टू रियल, प्री बुकिंग विल गेट 20% डिस्काउंट। नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं इसके लिए। राजनीति की गलियों में अब भारत के नाम को लेकर सियासत सुर्खियों में है। अब तक गली और चौराहे को लेकर सियासत चल रही थी, लेकिन अब राजनीति की जा रही है देश के नाम पर। क्या रहेगा देश का नाम, इंडिया या भारत? इस मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ चुका है। आपको बता दें कि यह मुद्दा G20 शिखर सम्मेलन के नेताओं को रात्रि भोज के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र से शुरू हुआ है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 9 सितंबर यानी कि आज होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज कार्यक्रम के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इस पत्र को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश के नाम इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर रही है और अब केवल भारत कहे जाने की योजना है। देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी है। संविधान में दर्ज इंडिया दैटिज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ रही है। इस बारे में एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर अदालत ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की मांग थी कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है और इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। आपको बता दें कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, अब इसी संविधान के अनुसार विपक्ष सरकार को घेरे में ले रही है। आपको यह भी बताते चले कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एक गठबंधन बनाई गई है, जिसका नाम भी इंडिया रखा गया है। सभी दलों ने पीएम मोदी को हराने का फैसला कर लिया है। सभी पार्टियों ने मिलकर विपक्षी गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया रखा है। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंडिया नाम क्यों चुना गया। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के राष्ट्रवाद के मंत्र के खिलाफ विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में इंडिया इंडिया सुनाई दे। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने के बाद से ही भाजपा सरकार इंडिया नाम का उपयोग बंद कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि इन राजनीतिक पार्टियों के आपसी सियासत के कारण क्या देश के नाम में कोई बदलाव होगा? एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बार लोकसभा चुनाव में देश के नाम को सियासी मुद्दा बनाकर लड़ाई की जाएगी? ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा था। ऐतिहासिक बिंदुओं के अनुसार भारतवर्ष या भारत नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। राजा भरत पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे। भरत एक महान सम्राट थे जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की और शासन किया। महाराजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। अब बात करें इंडिया शब्द की, तो कहा जा सकता है कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया गया। यह इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत या इंडिया कहने में मुश्किल लगता था और इंडिया कहना काफी आसान था, तभी से भारत को इंडिया कहा जाने लगा। अब तक हम सभी देश को इंडिया और भारत दोनों नाम से जानते थे, लेकिन क्या अब राजनीतिकरण के बाद देश के नाम को सिर्फ भारत कर दिया जाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद।
क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। अ कंप्लीट IT एंड सिक्योरिटी सर्वेलेंस सॉल्यूशन, फ्रॉम हाई एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग सॉल्यूशंस टू बायोमेट्रिक एप्लीकेशन, फ्रॉम CCTV कैमरास टू एक्सेस कंट्रोल, फ्रॉम फायर अलार्म्स टू व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम्स, वी डू इट ऑल। सिक्योरिटी फॉर ऑल, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, बैंक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, होटल्स, रिटेल चेन, पुलिस, प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट और होम। Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP, Siliguri, 9434023813. Explore exciting security guard job opportunities abroad with a competitive monthly salary of 51,000 Indian rupees to 62,000 Indian rupees. Requirements: minimum qualification, class 10 pass, age 21 to 39 years, male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches. Secure your future with a fulfilling career. Job interview on the 15th of September 2023, Friday. For further information, don't hesitate to get in touch with us. Future Vision Consultancy, near ISKCON Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. नागालैंड स्टेट टीयर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटीड, टिकट मूल्य 200 रुपया, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट।